वैसे तो जिम कॉर्बेट में काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, बट देयर आर अ फ्यू विच गिव यू अ ट्रू सेंस ऑफ बीइंग इन नेचर। तो लेके चलते हैं आपको एक ऐसी ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में जिसने हमें दोबारा बुला लिया। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 25th of September और हम आज हैं रामनगर में हम रुके हुए ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में जिसका नाम है रिवर व्यू रिट्रीट। हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है तो हम सोचे दोबारा से एक्सपीरियंस लेते हैं। और रामनगर में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कल रात से, ये देखिए किस तरीके से इतनी तेज बारिश हो रही है। लकीली हमें नैनीताल में इतनी बारिश नहीं मिली, अदरवाइज हम वहाँ पर बिल्कुल भी घूम नहीं पाते। तो हमारा आज का प्लान ये है कि अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद देखते हैं अगर बारिश रुकी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ एक दो स्पॉट कवर करेंगे, अदरवाइज हम प्रॉपर्टी में ही इंजॉय करेंगे। छोले भटूरे भी हैं, ओके ग्रेट। छोले उपमा आई थिंक सब कुछ है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन और सब कुछ अवेलेबल। इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या खाओगे? अभी मैं थोड़ा सा साउथ इंडियन लेता हूँ, उसके बाद वहाँ से मैं एग और वो बाद में लूँगा डोसा। द गुड थिंग इज स्प्राउट्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। स्प्राउट्स खाओगे? पारस का प्लान था पूल में जाने का और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है सब कैंसिल। पूल का तो तब भी ठीक है जिसका सफारी जाने का प्लान होगा उसका, तो लकली हमारा नहीं था कि पहले से बुकिंग करनी पड़ती है ना उसके लिए, पहले सफारी की बुकिंग करनी पड़ती है और अभी बारिश की तो मेरे ख्याल से कोई लेके जाता नहीं होगा सफारी। अच्छा बिल्कुल साउथ इंडियन तो अच्छा है, बाकी दूसरा ट्राई करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अब आपको देते हैं छोटा सा रूम टूर। हमने जो रूम बुक किया है वो हमारा है फैमिली, सो ये हमारा रूम फैमिली रूम हमने बुक किया था। तो यहाँ पे हमारे सुपीरियर रूम और सुपीरियर कॉटेज भी है जो कि फुल हो गए थे, इसलिए हमने फैमिली रूम मिला है हमें। तो वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, कैसा लगा रूम? अमेजिंग यार, वाओ। यस यहां पे बालकनी एरिया है, अच्छा है ना? सो गाइस इसमें एक मिल जाता है हमें किंग साइज बेड और यहाँ पे है एक सोफा चेयर, प्लस यहाँ पे हमें मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल भी, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं और कुछ स्नैक्स भी मिलते हैं। ओह वाओ नाइस वंडरफुल। और इस कमरे की जो यूएसपी है, क्योंकि इसको क्यों फैमिली रूम बोला जाता है वो इसलिए बिकॉज इसमें है हमारे पास एक और केबिन ऊपर, तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है एक दो एक्स्ट्रा बेड ऊपर
दैट्स व्हाई दिस इज अ फैमिली रूम. सो गाइस आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने रेस्ट करा क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज आ रही थी तो कहीं कोई स्पॉट हम कवर नहीं कर पाए. और हमें पता चला कि रेनी सीजन में जो कॉर्बेट वाटरफॉल है वो बंद रहता है और यहाँ पे एक म्यूज़ियम वगैरह है तो वहाँ जाने के लिए धनगढ़ी नाला क्रॉस करना पड़ता है. इसलिए आजकल उस नाले में काफ़ी पानी आया है तो हमने रिस्क नहीं लिया. हमने रिजॉर्ट में ही सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. और अभी हम निकले हैं बाहर तो हम अभी जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने इस प्रॉपर्टी को. देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है. वैसे यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे हाई टी भी होती है जो कि 5:30 to 7:30 सर्व की जाती है और वो आपके पैकेज में इंक्लूड होता है. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो हम भी अभी 5:30 पे लेंगे. अभी बच रहा है 5 तो देखते हैं. उससे पहले हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं प्रॉपर्टी में. यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं तंबोला वगैरह कुछ हाई टी के साथ. और शाम को यहाँ पे लाइव म्यूज़िक विद गिटार कुछ परफॉर्मेंस होती हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हो विद योर टी एंड पकौड़ा. तो अभी चलते हैं यहाँ पे और क्या क्या है देखते हैं. Got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. सुबह मौसम एकदम से काफ़ी ख़राब हो गया था. बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश हुई है और अभी हल्की हल्की धूप आ चुकी है तो मौसम ठीक है. इतनी गर्मी भी नहीं है. हल्का हल्का ह्यूमिड लग सकता है बट अभी इवनिंग टाइम में इट्स ओके. तो अगर एक्टिविटीज़ की बात करें यहाँ पे तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप टी टी लवर हैं तो यू कैन इन्जॉय टी टी हेयर. और साथ ही इसके सामने कैरम एरिया है जहाँ पर जाके आप कैरम भी इन्जॉय कर सकते हैं जस्ट टाइम पास. इस प्रॉपर्टी में इतना कुछ करने को है. स्विमिंग पूल तो है ही है. अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय स्विमिंग. बट हम यहाँ पे आए हैं मॉनसून में तो मॉनसून में भी पूल ओपन है तो हम तो अभी पूल में जाएंगे नहीं. हमारा प्लान नहीं है पूल में जाने का. ओके तो देखते हैं. यहाँ पे आगे एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे टेम्पल भी है तो टेम्पल एरिया पे चलते हैं. ओके स्विमिंग पूल की जो टाइमिंग है वो यहाँ पे ये स्विमिंग पूल 6:30 इवनिंग तक ओपन है. मॉर्निंग 7:00 से चालू हो जाता है. आजकल एक्चुअली अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है तो 6:30 पे इन्होंने क्लोजिंग टाइम रखा हुआ है. अदरवाइज गर्मियों में जब अंधेरा शायद थोड़ा लेट होता होगा तो टाइमिंग्स उसकी चेंज हो जाती हैं. और जो ये कोसी रिवर है इसका वाटर लेवल आप देखिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कल रात से यहाँ पे रामनगर में बारिश हो रही है. सो गाइज दिस इज़ द एरिया जहाँ पे कि बूफे सिस्टम लगता है. सुबह हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी तो हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने चले गए थे. और काफ़ी अच्छा लॉन एरिया है जहाँ पे कि अभी 5:30 से हाई टी सर्व की जाती है तो देखते हैं. अभी तो कुछ यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे नहीं है. शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा. और अच्छी बात यह कि इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया भी है जहाँ पे कि जाके आप कुछ खाना वाना अपना ऑर्डर कर सकते हैं. वहाँ पे भी ऑर्डर करके अपनी ड्रिंक्स खाना एंजॉय कर सकते हैं. रेस्टोरेंट एंड बार है वो. सो रिवर व्यू आप लेके अपना ड्रिंक्स और फूड एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे. तो हम भी चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ और देखते हैं. सो गाइस रिवर का वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे
और लास्ट टाइम हम आए थे जनवरी में, तो हमने रिवर साइड बैठ के यहाँ पे जहाँ पे अभी पानी दिख रहा है यहाँ पे बैठ के हमने कुछ फोटोग्राफी और वीडियो शूट भी किया था, बट अभी यहाँ पे बेंचेस भी लगी हुई थी वो सब गायब हो चुकी है, शायद इन्होंने हटवा दूंगी क्योंकि अभी बारिश की वजह से वाटर फ्लो बढ़ जाता है। गाइस अब चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया में, यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड इनका ओपन बार है जहाँ पे कि आप आके अपनी ड्रिंक्स विद फूड एंजॉय कर सकते हो एंड नॉट टू फॉरगेट विद द रिवर व्यू। सो ये है इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट पूरा और दिस साइड इज द सिटिंग एरिया जहाँ पे के आगे आप अपनी ड्रिंक्स खाना ऑर्डर कर सकते हो, वो लोग आपको यहाँ पे सर्व कर देंगे एंड यू कैन एंजॉय योर फूड विद दिस व्यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस यहाँ पे इनकी कुछ टी और स्नैक्स लग चुके हैं तो हम वो लेकर आते हैं फिर एंजॉय हम भी अपना थोड़ा सा एंजॉय करेंगे बैठ के आराम से खाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, हाँ वही तो 5:30 से था शायद। इसमें 5 लिखा हुआ है। तो हम ले रहे हैं कुल्लड़ वाली चाय, भैया ने बोला इलायची और अदरक वाली है ये। अच्छा है ना, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लेट हो गए थे यहाँ पे हाई टी के टाइम पे याद है, अभी एकदम परफेक्ट टाइम है। चाय तो अच्छी है। तो लाइटनिंग हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है अभी ये रिजॉर्ट देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है लाइटनिंग के बाद तो। सो गाइस अभी हमने कुछ स्नैक्स वगैरह अपने ले लिए हैं, तो स्नैक्स भी काफ़ी अच्छे थे और वैरायटीज़ के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि कॉफ़ी टी दोनों चीज़ अवेलेबल हैं। और अभी यहाँ पे 8 से लाइव म्यूज़िक भी स्टार्ट है, तो अब टाइम आ गया है अभी इस वीडियो को एंड करने का यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए अगर कभी आप रिवर व्यू रिट्रीट या जिम कॉर्बेट में कोई अपना स्टे बुक करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए प्लेस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। Story. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note.